नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल सर एक बार फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ मेरा अपना नया वीडियो जिसमें हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो। चलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं कुछ रिवीजन वर्क। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों क्या सीखा वो हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने है रिवीजन। तो रिवीजन में हमने सीखा सबसे पहले फार्मूला नंबर 1, जिसमें हमने दो वाक्यों वाले सेंटेंसेस बनाने सीखे। इसमें हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं। हिंदी में जैसे यहाँ आओ, कम हेयर, डोंट का यूज़ करके भी हमने सीखा था, डोंट विथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, दो शब्दों के साथ डोंट का यूज़ करना भी सीखा था हमने। इस तरह से पिछले जो 4 फॉर्मूले थे उसको आप लोगों ने देख लिया। आज हम देखते हैं आज का हमारा अपना क्या है आज का लेसन। तो टुडेज़ लेसन देखिए, आज हम सीखेंगे आवर टुडेज़ लेसन, आज का सबक। आज हम देखिए क्या पढ़ते हैं आज के लेसन में। तो आज हम बात करेंगे वर्ब की, कि वर्ब और उसके काइंड्स के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने वर्ब मतलब समझ गए होंगे कि वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया, और इसका यूज़ जो है वाक्य बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, या यूँ कहें कि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस बनाया ही नहीं जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, चाहे वो कोई भी भाषा हो, वर्ब के बिना वाक्य बनना संभव नहीं है। तो देख लेते हैं हम वर्ब। वर्ब के कुछ फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स मतलब होता है रूप, जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यानी ये जनरली आपने सुना ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्म्स। वर्ब के फॉर्म्स के साथ वर्ब के काइंड्स भी होते हैं। तो देख लेते हैं काइंड्स। काइंड्स मीन्स होता है प्रकार। तो वर्ब के कुछ प्रकार भी होते हैं। ये सब हम क्रिया के बारे में समझेंगे कि वर्ब के फॉर्म्स क्या कहलाते हैं, वर्ब के काइंड्स क्या कहलाते हैं, और एक एक चीज़ और होती है वर्ब का यूज़। तो यूज़ ऑफ वर्ब, इट मीन्स वर्ब के उपयोग क्या होते हैं और कैसे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों ने तो अधिकतर वर्ब के फॉर्म्स ही देखे होंगे। तो आज हम सबसे पहले वर्ब के फॉर्म्स के बारे में ही बात करेंगे, फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वर्ब के काइंड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया वर्ब, वर्ब के साथ फॉर्म्स, फिर वर्ब के काइंड्स, और तीसरा वर्ब का यूज़। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में लगातार 3-4 वीडियो में हम वर्ब को कम्प्लीट करेंगे। इसमें अब हम देख लेते हैं कि वर्ब्स, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इस तरह से वर्ब के 3 फॉर्म्स हमने देख लिए। वर्ब, वर्ब के फॉर्म्स, देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ओके, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो चलिए देख लेते हैं, प्रेजेंट फॉर्म को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट को वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी बोलते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्ब थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि वर्ब के 3 फॉर्म्स हमारे सामने हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में गो, गो मीन्स होता है जाना, जिसे आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे, गो मीन्स होता है जाना, ओके। नाउ द सेकेंड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज वेंट। गो का ही पास्ट फॉर्म वेंट हो जाता है, वेंट मीन्स होता है गया। एंड पास्ट पार्टिसिपल, इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको बोलते हैं गोन, गोन मीन्स जा चुका या चला गया। इस तरह से हम इसका हिंदी मीनिंग्स हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। दोस्तों अब आप लोगों को करना क्या है कि आप जिस भी क्लास में होंगे उस क्लास की इंग्लिश ग्रामर की आपके पास अगर बुक होगी
या फिर ग्रामर कोई सिलेबस होगा या कोई भी आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक पड़ी होंगी तो उसमें डेफिनेटली आपको वर्ब के फॉर्म से लिखे होंगे। तो आपको क्या करना है कि मेक अ लिस्ट ऑफ यू नो मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स विथ इट्स थ्री फॉर्म्स, यानी वर्ब की आपको लिस्ट बनानी है, उसके तीनों रूपों की आपको लिस्ट बना करके तैयार रखना है। तो यही आज का आपका होमवर्क। चलिए दोस्तों, तो फिर आपने होमवर्क तो ले लिया है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ वर्ब्स एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स। धन्यवाद।